हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत आसान रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। इनको कहते हैं नमक पारे या फिर मटर। इन्हें बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप आटा, 1/4 कप सूजी। मैंने यहाँ सूजी थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि मुझे सूजी ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप 1/4 कप ही लें। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा तेल। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है 1/4 कप। अब आप एक परात लें जो सभी के घर में आसानी से मिलेगी, और उसमें सबसे पहले आटा, सूजी, अजवाइन, काली मिर्च और नमक डाल दें। फिर उसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसको अगर आप अपने हाथों से मिक्स करेंगे तो सारा कुछ बहुत इवनली स्प्रेड होगा। अब हम इसमें ये ऑयल डाल दें, लेकिन याद रहे इस ऑयल को हमें थोड़ा गर्म करके इसमें मिक्स करना है। अभी क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है तो मैं इसको पहले एक स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ, और जैसे ही इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा मैं इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि ये जो ऑयल है सारे मिक्सचर में इवनली मिक्स हो जाए। और जब तक आपका मिक्सचर इस तरह से एक शेप होल्ड ना करे तब तक आप इसे मिक्स करते जाएं, और जैसे ही एक शेप होल्ड करने लग जाए यानी कि आपका मिक्सचर तैयार है। अब इसमें मैं ज़रूरत के अनुसार पानी डालूंगी और इसे नॉर्मल जिसे आटा गूंदते हैं वैसे तैयार करूंगी। अब मैं इस डो को कुछ 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, और तब तक मैं यहाँ तेल गरम होने के लिए रख दूँगी। अब हमारा आटा तैयार है। अब मैं इसे नॉर्मल रोटी की तरह बेल लूँगी। अब मैं एक नाइफ की मदद से इसे इस प्रकार काट लूँगी, और अगर आपको बहुत ही क्लीन शेप चाहिए तो आप इस प्रकार साइड्स को काट लें और साइड कर दें, और ये साइड्स वाला आटा आप अगले पेड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है, मैं एक एक करके तेल में इनको डालना शुरू करूंगी और फ्राई करूंगी। याद रहे कि आप इनको मीडियम आंच में ही फ्राई करें, नहीं तो ये बाहर से तो एकदम जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और डार्क हो जाएंगे, लेकिन अंदर से नहीं, और फिर तैयार होने के बाद ये खाने में क्रिस्पी भी नहीं होंगे। आप इनको अपनी पसंद के हिसाब से क्रिस्पी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही क्रिस्पी पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इनको बहुत ज़्यादा डार्क कर लिया है, लेकिन आप इन्हें थोड़ा सा जल्दी भी कढ़ाई से निकाल सकते हैं। और ये हमारे नमक पारे हो गए तैयार। मैं यहाँ आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर आप इन्हें हाथ के हाथ कंज्यूम करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो आप इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।